नाम से मेरा नाम है नितिका और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 रेड लिपस्टिक्स, क्योंकि अभी आने वाला है वैलेंटाइन्स डे और मैं वैलेंटाइन डे के लिए हमेशा बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे मेकअप लुक्स भी शेयर करती हूँ। और ये वाला मेकअप लुक जो आप ऑलरेडी देख रहे हो, ये मैं इंस्टाग्राम पे या तो डाल चुकी होंगी या डालने वाली होंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने शूट जरूर कर लिया है। तो या अगर आप देखना चाहते हो 10 रेड लिपस्टिक्स, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। ऑलराइट, तो लिपस्टिक नंबर 1 गाइज, ये है ब्लू हेवन की, जो मैंने ऑलरेडी अपने लिप्स के ऊपर वेयर की हुई है। आई रियली लव दिस लिपस्टिक गाइज। ये है ब्लू हेवन की एलिगेंस मैट लिपस्टिक, लेकिन अभी इन्होंने हाइपर मैट ऐसा कुछ इसका नेम चेंज कर दिया हुआ है। पैकेजिंग जो है ना, ऊपर की थोड़ी सी पैकेजिंग चेंज नहीं की है, ऊपर का प्रिंटिंग थोड़ा सा चेंज किया है, अदरवाइज सेम शेप का ही मिलेगा आपको। ये है शेड नंबर 04, बहुत ही ज्यादा स्टनिंग शेड है। मेरी स्किन टोन की अगर आप हैं, इनफैक्ट आप मीडियम स्किन टोन के भी हैं या यू नो डस्की स्किन टोन के भी है ना, तो भी आप ये वाला शेड जरूर ट्राई कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, कंफर्टेबल है, लिप्स के ऊपर बहुत ज्यादा ड्राई नहीं करती है। आई रियली लव द फॉर्मूला, यू नो थोड़ा सा क्रीमी क्रीमी सा है, बाद में ये बिल्कुल मैट हो जाती है, वाटरप्रूफ है और यू नो किस प्रूफ भी है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। ब्यूटीफुल फॉर्मूला विद वेरी वेरी अफोर्डेबल। तो लिपस्टिक नंबर 2 जो है मेरे पास नायका की, ये है नायका की क्रीमी मैट लिपस्टिक और मेरे पास जो शेड है ये है ड्रेस टू किल, जो मैंने ऑलरेडी अपने लिप्स के ऊपर वेयर भी किया हुआ है ताकि आप देख सको कि बोलते हुए कैसा लगता है, देखने में कैसा लगता है, इसका फीलिंग कैसा है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा जब मैं बात करूंगी। तो गाइज ये क्रीमी फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया और ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज की है, लाइक 250 रुपीज के अंदर अंदर आपको आराम से मिल जाएगी। नायका ब्रांड की है, फॉर्मूला बहुत अच्छा है और लिप्स को बहुत हाइड्रेट करती है। इसका जो अंडरटोन है वो पिंक अंडरटोन का है, तो इफ यू आर अ टीनेजर और यू नो आपको बहुत ज्यादा ऐसे ब्राइट और बैंग ऑन टाइप के रेड लिपस्टिक्स नहीं अच्छे लगते, हल्का सा म्यूटेड टोन का आपको रेड लिपस्टिक्स अच्छी लगती है, तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है लगाने में, बहुत ही प्रिटी लगती है। ओलाला, आई रियली लव 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 दिस लिपस्टिक गाइज। ये है एल्फ कॉस्मेटिक की, जो कि आपको नायका पे ही मिलेगी, आई गेस ये नायका पे ही अवेलेबल है, शायद कहीं और अवेलेबल भी नहीं है। ये है गाइज शेड नंबर रेड हॉट रेड्स। इट्स अ ब्यूटिफुल क्रीमी मक्खन की तरह यू नो लिप्स के ऊपर ग्लाइड होती है, इतना मजा आता है ना इसको लगाने में। अगर आपको यू नो थोड़ी सी हाइड्रेशन चाहिए अपने लिप्स के ऊपर, और अगर आपको ये किस प्रूफ तो नहीं है, ठीक है ट्रांसफर भी होगी, लेकिन ये लिप्स के ऊपर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। इसका मतलब क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे। इसमें आपको 2 शेड मिलते हैं, एक डे और एक नाइट। आई थिंक मैंने इसका फुल डिटेल रिव्यू भी किया हुआ है, आपको वो देखना है तो आप वो भी चाहे देख सकते हो, ठीक है मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। लेकिन मेरी ये फेवरेट, पर्सनली फेवरेट लिपस्टिक भी है, और ये वाला जो शेड है मैंने डे वाला लगाया हुआ है इस टाइम पे, और बहुत ही अच्छी लगती है। किसी भी अंडरटोन के हैं आप, फेयर है, मीडियम है, डस्की है, तो आप बेझिझक ये वाला शेड ट्राई कर सकते हो। ब्यूटीफुल फॉर्मूला, वेरी वेरी कंफर्टेबल ऑन द लिप्स। और या तो ये है इसका डे एंड नाइट शेड। वाओ, आई लव दिस शेड गाइज। ये है मैक की रूबी वू। वैसे तो बहुत सारी लड़कियों की ये फेवरेट लिपस्टिक है गाइज, अगर आपका यू नो थोड़ा सा बजट है और अगर आपको यू नो अच्छी लिपस्टिक चाहिए। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं, ये क्रीमी सॉफ्ट ग्लाइड होने वाली लिपस्टिक नहीं है, ये थोड़ा सा अच्छे से ना घिस घिस के लगानी पड़ती है, लेकिन जो उसका एंड रिजल्ट निकल के आता है ना, वो आप लिप्स पे देख ही रहे हो, कितना ब्यूटीफुल शेड है, सभी स्किन टोन के ऊपर बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा और इंडियन स्किन टोन पे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये मिनी वाली ले लीजिए। इनफैक्ट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, मैक की कोई भी लिपस्टिक अगर आप ले रहे हो तो आप मिनी वाली ही लीजिएगा, बहुत ही अच्छी लिपस्टिक्स हैं। और इतनी लिपस्टिक तो वैसे भी पूरी बड़ी वाली लिपस्टिक तो हम वैसे भी फिनिश कर ही नहीं पाते हैं। ब्यूटीफुल फॉर्मूला, अच्छा फॉर्मूला है, थोड़ी बहुत ट्रांसफर तो होती है, लेकिन इसका स्टे बहुत ज्यादा अच्छा है, लगाई हुई बहुत ज्यादा सेक्सी, बहुत ही प्रिटी लगती है। तो मुझे लगता है आप इसको भी जरूर ट्राई करके देख सकते हो। ओए होए होए, ये शेड तो मतलब ऐसा शेड है, मैं पिछले आई थिंक 2 साल हो गया मुझे इस लिपस्टिक को खरीदे हुए और मेरे को इतनी ज्यादा पसंद है, मुझे लगता है ये जिस दिन खत्म हो जाएगी मैं उसी दिन इसको ऑर्डर कर देने वाली हूँ। गाइज वो है शुगर कॉस्मेटिक्स की ये क्रियॉन लिपस्टिक और ये है शुगर की मैट एज हेल क्रियॉन लिपस्टिक इन द शेड 01 स्कारलेट ओहारा, और ये मेरे लिप्स के ऊपर भी लगी हुई है। ब्यूटीफुल फॉर्मूला, लिप्स के ऊपर बहुत अच्छे से ग्लाइड होती है, क्रीमी, वेरी वेरी सॉफ्ट, मक्खन की तरह आपके लिप्स के ऊपर लगेगी और थोड़ी ही देर मतलब लाइक 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर ये ड्राई हो जाती है। ट्रांसफर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है और कंफर्टेबल है, और ये सभी स्किन टाइप्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रिटी लगेगी। और आई रियली लव द यू नो इसका जो अंडरटोन है बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लाइक इंडियन स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है ये थोड़ी थोड़ी ना मिलती जुलती है रूबी वू से, तो अगर आप रूबी वू नहीं खरीदना चाहते हो तो आप ये शुगर की खरीद सकते हो, मैट एज हेल लिप क्रेयॉन्स, इनकी क्वालिटी इज अमेजिंग। ओ माई गॉड, मुझे इतना मजा आ रहा है ना आज आप लोगों के साथ ये रेड लिप शेड्स को यू नो आप लोगों के साथ शेयर करने में। एक के बाद एक स्टनिंग स्टनिंग शेड्स मैं आपको आज दिखा रही हूँ गाइज। ये सारे ही शेड्स मेरे
पर्सनल फेवरेट शेड्स हैं। और जो ये लिपस्टिक मैं आज आपको दिखा रही हूँ ये है स्विस ब्यूटी की, ये है HD मैट लिपस्टिक आई थिंक, और ये 250-200 रुपीज के रेंज में आती है। वेरी वेरी क्रीमी, बटर की तरह आपके लिप्स के ऊपर लगेगी। और ये शेड ऐसा है कि आप इसको कोई भी आप स्किन टोन के हैं आप इसको आंखें बंद करके खरीद सकते हो। अमेजोन से ले लो, नायका से ले लो, सब प्लेटफॉर्म पे स्विस ब्यूटी अवेलेबल है। और इसका पैकेजिंग भी आप देख सकते हो, कुछ कुछ हुडा ब्यूटी की जो मैट लिपस्टिक आती है उसी से मिलती जुलती है। बहुत ही सुंदर है इसकी पैकेजिंग और फॉर्मूला भी कम नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल भी है। मुझे लगता है इस प्राइस में आपको इतना अच्छा फॉर्मूला मिल रहा है तो आपको जरूर इसको ट्राई करना चाहिए। इसका स्टे भी काफी ज्यादा अच्छा है। ओ माय गॉड, आई हाय 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 हाय, इतना सेक्सी शेड है ना ये। लिक्विड लिपस्टिक्स की बात ही कुछ और होती है, वैसे क्रीमी लिपस्टिक्स की अलग बात होती है, एक अलग फिनिश आती है, लेकिन जो लिक्विड लिपस्टिक आती है ना, जो HD क्वालिटी आती है ना फेस के ऊपर, एक HD मेकअप ऐसा लगता है कि आपने कुछ भी नहीं करा हुआ ना, बस आप एक रेड लिपस्टिक मैट लगा लो, बस आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो गाइज नेक्स्ट लिपस्टिक जो मैंने लिप्स के ऊपर लगा रखी है वो है फेसेस कैंडा की, ये न्यू लॉन्च लिपस्टिक्स हैं। ओ माय गॉड, आई रियली लव द फॉर्मूला गाइज, इतनी ज्यादा ऐसे मक्खन की तरह आपके लिप्स के ऊपर लगती है। इसका वॉन्ट बहुत अच्छा है, इसका स्टे बहुत अच्छा है, इतनी कंफर्टेबल है, आपको लिप्स के ऊपर कोई लिप बाम नहीं लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, पूरा दिन आपके लिप्स के ऊपर बहुत ही हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है। आई रियली लव द क्वालिटी ऑफ द लिपस्टिक्स, फेसेस कैंडा की कॉम्फी मैट लिपस्टिक। और जो शेड है इसका 04 जो मेरे लिप्स के ऊपर लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर हल्का सा मरूनिश टोन का ये रेड शेड है, ऐसे एकदम जटैक वाला रेड शेड नहीं है, बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगता है। तो अगर आप डस्की या फिर थोड़ा सा डार्क स्किन टोन की है तो आप ये वाला शेड जरूर ट्राई करके देखिएगा, आई एम श्योर यू गोना लव इट। तो नेक्स्ट लिपस्टिक जो मेरे पास है वो है नायका की, ये है नायका ऑल डे मैट इन द शेड बॉस बेब, जो कि मेरे लिप्स के ऊपर आप देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल सा थोड़ा सा बेरी और मरूनिश काइंड ऑफ रेड है, जो कि हर स्किन टोन पे बहुत ज्यादा प्रिटी लगेगा। फेयर पे तो आप देख ही सकते हो कैसा लग रहा है, लेकिन अगर आप मीडियम डस्की स्किन टोन के भी हैं तो भी आपके ऊपर ये बहुत ज्यादा स्टनिंग लगेगा। फॉर्मूला इसका बिल्कुल मैट है, कंप्लीटली मैट हो जाती है, ये ट्रांसफर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, बज प्रूफ है, और या अच्छा फॉर्मूला है, लेकिन थोड़ा सा मैट लिपस्टिक है तो आपको हल्का सा अपने लिप्स को प्रेप करना पड़ेगा इसको लगाने के टाइम पे, अदरवाइज लिपस्टिक इज रियली वेरी गुड, पिगमेंटेशन इसकी ऑसम है। तो नेक्स्ट शेड है मेरे पास जो कि मैंने लिप्स के ऊपर लगा रखा है और आई थिंक ये मेरे टॉप के साथ भी बहुत अच्छे से मैच कर रहा है गाइज, ये है मार्स का लिप क्रेयॉन, वॉन्ट स्मज वॉन्ट बज लिप क्रेयॉन इन द शेड आई लव माई सेल्फ, यस आई लव माई सेल्फ 01 शेड गाइज, बहुत ही ब्यूटिफुल क्रेयॉन लिपस्टिक है ये, और अफोर्डेबल भी है, लिप्स के ऊपर बहुत अच्छे से ग्लाइड होती है, आप देख सकते हो लिप्स के ऊपर कैसी लग रही है ये, थोड़ा सा टोमेटोइश ऑरेंज टोन का ये रेड लिप शेड है, और मुझे लगता है ये फेयर स्किन टोन पे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप डस्की स्किन टोन के हैं तो शायद आपको थोड़ा सा वॉश आउट कर सकता है, लेकिन आप थोड़ा बहुत लिप लाइनर वगैरह साथ लगाएंगे तो आप जरूर लगा सकते हो इसको, और ये लगाने के टाइम पे बहुत ज्यादा क्रीमी सॉफ्ट बटर की तरह होती है, लेकिन आप बाद में विदिन 30-40 सेकेंड्स ही ये बिल्कुल मैट हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होती है, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपने जैसे लिक्विड लिपस्टिक ही लगा रखी है। तो इसका फॉर्मूला काफी अच्छा है तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। सेकंड लास्ट लिपस्टिक जो मेरे पास है आपके लिए वो है हुडा ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड हार्ट ब्रेकर, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल फॉर्मूला है, मतलब लिक्विड लिपस्टिक्स में अगर आपने अभी तक हुडा ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक नहीं ट्राई की है तो मुझे लगता है आपने अभी तक कुछ भी ट्राई नहीं किया है। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, मूसी टेक्सचर है, कंफर्टेबल है लिप्स के ऊपर, या थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे है, लेकिन हाई एंड का मतलब यही होता है कि वो एक्सपेंसिव साइड पे होती है, उनका क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छी है, और ये शेड ऐसा है कि सभी स्किन टोन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रिटी लगेगा और मुझे लगता है वैलेंटाइन के लिए ये परफेक्ट रहेगी। तो गाइस नेक्स्ट शेड है मेरे पास, ये है शुगर कॉस्मेटिक की मैट अटैक ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक इन द शेड 02 रेड जैपलिन, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, ये मेरे को आई थिंक ब्रांड की तरफ से आई थी, लेकिन मुझे इसका इतना अच्छा लगा ना फॉर्मूला, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी अगर आपने ये वाली शुगर की नहीं ट्राई किया ना, ये बहुत ही क्रीमी है, सॉफ्ट है, और इसका जो ये है बहुत ही अच्छा है, और उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी ये लिपस्टिक जिनकी पतले लिप्स होते हैं, बड़ी वाली मोटी वाली जो लिपस्टिक्स होती है वो उनको थोड़ी सी लगाने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर आपके पतले लिप्स है ना तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। और गाइज ये ना इसके साथ आउटलाइन भी बहुत अच्छे से होती है, बहुत अच्छे से ग्लाइड होती है ये लिपस्टिक, और इनमें और भी मेरे पास शेड्स हैं, लेकिन ये वाला शेड मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे लगता है कि वैलेंटाइन डे के लिए ये शेड परफेक्ट रहेगा, बहुत सुंदर लग रहा है लिप्स के ऊपर,
सो गाइज, ये तो थी मेरी 10 रेड लिपस्टिक्स वैलेंटाइन डे के लिए, और मुझे लगता है कि ये सारे ही स्टनिंग शेड्स हैं। आप वैलेंटाइन डे पे इनको ट्राई कर सकते हो, लगा सकते हो, और बहुत ही ज्यादा स्टनिंग लगोगे, ब्यूटीफुल लगोगे। और अगर आपको इनको परचेज करना है तो जिनकी जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो या गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये कॉन्टेंट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करके जाइएगा। बाय बाय।